पांच अहम इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करेंगे अरशद शरीफ साहब के हवाले से। अरशद शरीफ साहब का केस कोई एक साल पहले लगा था और एक साल बाद, बल्कि तकरीबन कोई 13 माह बाद जो है अरशद शरीफ साहब के केस की समाप्त हुई है। काजी फ़ाइज़ साहब साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनकर ये केस नहीं लगा रहे थे, कई बार उनको कहा गया, उनको याद दहानी कराई गई, लेकिन अब काजी साहब ने लगाया है ये केस, तो उसमें उन्होंने बहुत बड़ी एक वारदात डाली है और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। एक ऐसा इंकशाफ जिसमें कमरा अदालत में मौजूद बहुत से लोग और सहाफ़ी जो है वो चौंक गए कि किस तरह की चीज़ काजी फ़ाइज़ इससे साहब ने की है। देखें, आज अरशद शरीफ साहब की फैमिली मौजूद थी। अरशद शरीफ साहब की फैमिली के अलावा बहुत से सहाफ़ी, खासतौर पर इमरान रियाज़ खान साहब जो हैं, हालांकि इमरान रियाज़ खान साहब आजकल इस्लामाबाद नहीं आते और ना इस्लामाबाद आते हैं ना पंजाब में, और वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो रहते हैं, आपको पता ही है सिचुएशन आजकल क्या चल रही है। लेकिन उस सब के बावजूद उनकी कल कॉल आई। मैंने, अगर आप सच्ची बात मुझसे पूछें, मैंने उन्हें कहा था कि आप ना आएँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अरशद शरीफ का केस है तो मैं ज़रूर आऊँगा। मुझे ये था कि चीज़ें इस तरह की चल रही हैं और खुदा न खासा फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए या कोई भी चीज़ ऐसी हो जाए, तो मैंने तो उनको रोका था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं। ये वो टाइम है कि जब हमें खड़े होना चाहिए अरशद शरीफ साहब की फैमिली के साथ। तो इमरान रियाज़ खान साहब आए, और इससे पहले इमरान रियाज़ साहब जो है वो हामिद मीर साहब के साथ पटिशनर भी हैं, जहाँ पर बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने हामिद मीर साहब की तरफ से पटिशन किया है, जिसमें को पटिशनर इमरान रियाज़ खान साहब हैं कि अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है, जो कत्ल है, उसके ऊपर जो है वो एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वो मामला भी चल रहा है वहाँ पे। अब अज़हर सिद्दीक साहब भी आए हैं, उन्होंने भी एक पिटीशन डाली है अरशद शरीफ साहब की फैमिली की तरफ से, तो वहाँ पे भी ये केस चल रहा है। वहाँ पे चल रहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटर लिया था ताकि तहकीकात मुकम्मल हो। और इमरान रियाज़ खान साहब के अलावा मोहम्मद मालिक साहब, मारिया मेमन साहबा, अरफनूर साहबा, ये सहाफ़ी भी मौजूद हैं। हाँ, समी इब्राहिम साहब भी आज जो है वो आए, और समी इब्राहिम साहब वहाँ से फिर अडयाला जेल चले गए। वहाँ पर ज़ाहिर आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा जो हैं उनको पेश किया जाना था, उनको पेश किया गया है। और 10 रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड जज मोहम्मद अली बड़ाइक ने दे दिया है। इससे पहले 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उन्होंने दिया था, 10 रोज़ का और हो गया है। और इस तरह से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा का मजमूई तौर पर यह अब 25 दिन का जिस्मानी रिमांड हो गया है। और अब 10 दिन बाद जब ये जिस्मानी रिमांड खत्म होगा, और अगर मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाता, तो फिर वो बेल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है सारा मामला। आज अरशद शरीफ साहब का केस जो है वो 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब। केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो शुरू में ही जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये केस शायद गलती से 3 रुकनी बेंच के पास लग गया है। ये केस 3 रुकनी बेंच के सामने नहीं लग सकता था, क्योंकि इससे पहले ये केस 5 रुकनी बेंच जो है वो सुन रहा था। और ये भी आपको बताता चलूँ कि रोस्टम पर अरशद शरीफ साहब की फैमिली के वकला शौकत अली सदीकी साहब मौजूद थे, इसके अलावा मियां अली शफाक साहब मौजूद थे, शाहजेब मसूद साहब मौजूद थे, और दीगर वकला जो है वो रोस्टम पर मौजूद थे, ट्रिब्यूनल पाकिस्तान भी मौजूद थे। और इससे पहले ये केस 5 रुकनी बेंच ने सुना था, वो सुन रहा था, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर था पंडियाल साहब थे उस बेंच में, उनके साथ इजाज़ुल अहसन साहब थे, सैयद मज़ार अली अकबर नकवी साहब थे, जमाल खान मुदखिल साहब थे, और मोहम्मद अली मज़र साहब थे। लेकिन फिर हुआ ये कि बंदयाल साहब रिटायर हो गए, और उनकी रिटायरमेंट के बाद आपको पता ही है कि 2 जज मुस्ताफ़ी हो गए, इजाज़ुल अहसन साहब और मज़ार अली अकबर नकवी साहब। और उनके इस्तीफ़े की जो वजूहत हैं, उनमें से एक वजह ये केस भी है, जिस तरह से सख्त ऑब्जर्वेशन और सवालत इजाज़ुल अहसन साहब और मज़ार अली अकबर नकवी साहब करते थे इस केस में, वो ज़ाहिर है फिर उनके लिए मुश्किलात तो होनी थी। और फिर ये वो 2 जजेस हैं, मज़ार अली अकबर नकवी साहब और इजाज़ुल अहसन साहब, मिलिट्री कोर्ट्स के तारीखी फैसला देने में भी ये दोनों उस बेंच का हिस्सा थे। तो इस तरह से ये 5 रुकनी बेंच था। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि 2 चीज़ें हैं, एक तो यह है कि ये 5 रुकनी बेंच सुन रहा था, तो इसको 5 रुकनी बेंच को ही सुनना चाहिए। दूसरा, मंसूर अली शाह साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि ये केस कमेटी के सामने पेश ही नहीं किया गया, रखा ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया कमेटी को। देखें, ये 1843 का मामला था, इसके बेंच की तशकील जो है वो इसको तशकील देना था कमेटी ने। कमेटी में मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं। लेकिन जब से काजी फ़ाइज़ साहब जो है वो अकलियत में गए हैं और उनको शिकस्त हुई है, तो तब से वो शायद अब ये नहीं चाहते कि अब कमेटी में मामलात जाएं। और उन्होंने खुद ही ये, अब आप इसको साजिश कहें, मैंने उधर भी बात की थी इमरान रियाज़ खान साहब के साथ खड़े होकर, कि इसको आप साजिश कहें, वारदात कहें, मिसकंडक्ट कहें, आप मतलब कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये भी बातें हो रही हैं कि काजी साहब ने ये केस इसलिए मंसूर अली शाह साहब के पास लगाया है कि इसमें जिस तरह से उनकी फैमिली के तहफ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, शिकायत हैं, उनकी एक रिटन दरख्वास्त है अरशद शरीफ साहब की फैमिली की। तो काजी साहब भी इल्ज़ाम आ रहा है कि काजी साहब ने इसलिए मंसूर अली शाह साहब के पास लगाया है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जब वो ये केस सुनेंगे, ऑब्जर्वेशन देंगे, तो इदारों के साथ उनकी उनके तनाव एक बढ़ेगा, उनके तलुकात ख़राब होंगे, और उनके खिलाफ एक गुस्सा सामने आएगा, और उसके बाद फिर ये फैसला किया जाएगा कि कुछ भी करें, कुछ भी करें, काजी साहब को 3 साल की एक्सटेंशन दें, मंसूर अली शाह हमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं चाहिए। तो ये भी एक इल्ज़ाम लग रहा है कि ये भी एक साजिश जो है वो हो सकती है इस बेंच के सामने केस लगाने के हवाले से, वरना ये 5 रुकनी बेंच के पास लगना चाहिए था। और दूसरा इसमें यह है
कि ये कमेटी के सामने जाना चाहिए था, यानी पहले तो गाजी साहब ने लगाया नहीं केस, लगाया तो छुट्टियों में लगाया और वो भी गलत लगाया, और वो भी यह है कि तीन रुकनी बेंच के सामने लगा दिया। उसके बाद मंसूरी शाह साहब को चौकीदार सिद्दीकी साहब ने कहा कि जो फैमिली है उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी और उस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो निपटाया वो गलत निपटाया, जिसमें फैमिली ने जो दरख्वास्त दी थी उसमें उन्होंने बताया था कि किस किस को प्रोसिक्यूट किया जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि फिर वो भी जिक्र आया कि फैमिली ने कुछ लोगों का कहा कि इनको बुला के और इनके बयान कलमबंद किए जाएँ जिनके पास अरशद शरीफ साहब के हवाले से मालूम हैं कि किन हालात में वो पाकिस्तान से गए और क्या हुआ। उसमें मुराद सईद साहब हैं, इमरान रहसान साहब हैं, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं और फैसल वाडा हैं, दो और लोग हैं। फैसल वाडा का नाम इसलिए कि फैसल वाडा ने बहुत बड़े झूठ बोले थे, गलत बयानी की थी अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद, बहुत 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 गलीज इल्ज़ाम लगाए थे उन्होंने, और उन्होंने सारी तवज्जो कहीं और डिवाइड करने की कोशिश की थी, और उन्होंने कहा था मुझे पता है कातिल कौन है, लेकिन जब उनको जीआईटी ने बुलाया तो वो जीआईटी के सामने नहीं गए। और दूसरा एक और मामला जो शाहजेब मसूद साहब ने अदालत को कहा कि जीआईटी को कहें कि जो भी उनकी प्रोग्रेस है, जो भी चीज़ है, उसे कम अज़ कम फैमिली को तो आगाह करें। और फिर एक और चीज़ भी हुई और वो यह है कि मंसूरी शाह साहब ने पूछा कि कीनिया की अदालत का कोई फैसला है, तो बताया गया जी बिल्कुल कीनिया की अदालत की कीनिया की अदालत से जो है वो फैसला आ गया है, और वो भी अब फैसला मियां अली शफाक साहब कह रहे थे कि हम वो फैसला सीएमए के ज़रिए जो है वो अदालत के सामने रखेंगे। तो ये आज हुआ है, इसमें जिस तरह मैंने बताया कि बहुत बड़ा इंकशाफ है, सब हैरान रह गए कि ये एक मामला कमेटी में जाना चाहिए था, कमेटी ने बेंच तश्कील देना था, काजी साहब ने अकेले कैसे ये केस मार कर दिया, बेंच तश्कील दे दिया और पाँच रुकनी बेंच का केस तीन रुकनी बेंच के सामने लगा दिया, छुट्टियों में लगा दिया, अचानक लगा दिया। तो ये बड़े सवालात हैं, और ये जो इंटरनल लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें काजी साहब आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि जजेस के लिए मुश्किलात हों, जजेस को ऐसे केसेस उनके पास लगाएं जिन केसेस में वो ऐसे ऑब्जर्वेशंस दें, ऐसे ऑर्डर्स दें कि फिर काजी साहब बता सकें कि देखें ना मैंने तो कहा यह बंदा ठीक नहीं है, मंसूरी शाह मुझे खिदमत का मौका दें, मुझे एक्सटेंशन दें, मैं ही इन सारी चीज़ों को मैनेज करके रख सकता हूँ। तो ये सारी मामला जो है वो हो सकते हैं। केस के फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं हुई क्योंकि जजेस ने कहा कि हम फैक्ट्स को जो है वो देख ही नहीं सकते जब तक बेंच जो है वो मुकम्मल ना हो। तो ये हुआ सारा। उसके बाद एक और चीज़ आपको बताता चलूँगा, अहमद जंजुआ जो पीटीआई के इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं और बड़े सोबर, बड़े सुलझे हुए, और अहमद जंजुआ साहब जो हैं आज उनको जुडिशल कर दिया गया, उनको अब जुडिशल होने के बाद उनकी ज़मानत दायर की गई है, और ज़मानत के ऊपर जो नोटिस हैं वो 1 अगस्त के लिए हो गए हैं। फवाद चौधरी साहब का नाम स्टॉप लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया था इस्लामाबादी कोर्ट ने, इस्लामाबादी कोर्ट ने वो नहीं निकला तो वो भी अब कंटेंप्ट में इस्लामाबादी कोर्ट चले गए हैं। इसी तरह से पीटीआई ने जलसे की इजाज़त के हवाले से पीटीआई फिर आज एक और दरख्वास्त लेकर और पीटीआई चली गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पीटीआई का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माह रमज़ान से पेंडिंग है। समातें होती हैं, अहकामात होती हैं, अमल नहीं होता, कंटेंप्ट में आते हैं, फिर डिस्पोज ऑफ होती है, फिर कंटेंप्ट आती है। अजीब व गरीब सूरत हाल है, माह रमज़ान से लेकर आज तक पीटीआई को एक सिर्फ एक जलसे की इजाज़त जो है वो हुकूमत नहीं दे रही और अदालत भी नहीं दे पा रही। अच्छा अदालत में मैं आपको बता दूं कि एक तो आमिर फारूक साहब के पास लगता है ना, वो तो कड़क मामला है, आपको पता है कि आमिर फारूक साहब की अदालत से हुकूमत को हमेशा 99% जो है वो हुकूमत को, नून लीग को, इस निज़ाम को रिलीफ मिलता है। लेकिन दीगर जो जजेस के पास लगा उसमें सिंह जज साहब के सामने केस लगा और मैं वहाँ मौजूद था, तो उसमें उन्होंने दबे अल्फाज में कहा कि हम तो इजाज़त दे देंगे जलसे की, लेकिन खुदा ना खास्ता वहाँ पर कोई दहशतगर्दी का वाक़ हो गया, मतलब करवा दिया गया, तो फिर मतलब क्योंकि एक थ्रेड लेटर भी बनाए जा रहे हैं और जारी किए जा रहे हैं, तो फिर दहशतगर्दी का वाक़ अगर हो गया तो जज साहब ने कहा कि फिर उसका कौन जिम्मेदार होगा। तो इसलिए बड़े हसास हैं इस मामले में वो 6 जजेस में से जजेस या 7 जजेस जो टोटल हैं उनमें से जजेस कि अगर हम करवा तो देंगे जलसा लेकिन खुदा ना खास्ता को मिस स्टेप हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। तो इसलिए उनको लगता है कि बहुत ख़तरनाक होगा उनकी तरफ से, इसलिए वो चाहते हैं कि इंतजामिया ही जो है वो बात माने और ये सारा कुछ करे और सिक्योरिटी दे। उसके बाद जो ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली वाला मामला, आज उसे फैसला महफूज हो गया, अब 1-2 दिन में बताया जा रहा है कि आमिर फारूक साहब फैसला सुनाएंगे, और जो भी फैसला सुनाएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन पिटीशन ट्रांसफर की थी वो ठीक की थी, गलत की थी, और उसके बाद अगर आ भी जाते कि गलत की थी, और यही जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब है वो केस सुने, तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब पूरा महीना छुट्टियों पर होंगे, इस्लाम कैनी साहब ने ट्वीट किया है, तो फिर तो वैसे ही 1 महीने के लिए ट्रिब्यूनल्स वाला मामला जो है वो लटक जाएगा। रूपा कोमल पीटीआई की सोशल मीडिया टीम का अहम हिस्सा है, और एक बच्ची उसको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, बहुत बहुत मतलब घटिया ये हरकत थी, बहुत शर्मनाक हरकत थी, और उनके ऊपर कल से कंपेन चलाई गई कि 11 लाख रुपये की नोट चला रही थी, उनके हवाले से बहुत सतही किस्म की, गलीज किस्म की, नीच किस्म की गुफ्तगू बहुत से खबीस और नीच लोगों ने की जो नून लीग का हिस्सा है और इस साफियों में भी हैं, और उन सारों ने बड़ी घटिया उनके खिलाफ ट्वीट की, और आज वो सारा प्रोपेगेंडा इनके मुंह पर जा लगा और इनके मुंह पे तमाचा है कि आज अदालत उनकी जमानत हो गई है, कल कहा जाता है 11 लाख जो है वो अकाउंट है, और आज कोई चीज़ नहीं थी ऐसी जिसकी वजह से उनकी जमानत जो है वो मुस्तरद होती, आज उनको जमानत मिल गई है। और कल की बड़ी तकलीफ दे मनाजिर थे जब वो अपने वालदेन से मिली और उन्होंने अपने वालिद से उन्होंने कहा
कि जो है वो आपने रोना नहीं है और आपने हौसले से काम लेना है। तो आप देखें, जब इस तरह से लोगों की बेटियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, खवातीन को गिरफ्तार किया जा रहा है, फैमिली के साथ ये सारा कुछ किया जा रहा है, तो कैसे फिर लोग जो है वो करीब आएंगे, लोग और ज़्यादा जो है वो दूर जाएंगे। जमशेद दस्ती साहब जो है वो उन पर एक मुकदमा बनाए मुजफ्फरगढ़ में, आज उनको 2 हफ्ते की जो है वो हिफाजत जमानत अदालत ने दे दी है कि 2 हफ्ते में जाके वो वहाँ पर पेश हो जाए। तो ये आज के कुछ केसेस की अब तक की तफसीलात थी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात हो सकती है और करनी भी चाहिए, उन पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।